काउंट ऑन बुक वन। सब्ट्रैक्शन में हमारे पास ये टेंस और वंस का, इसको किस तरह हम सॉल्व करेंगे? यहाँ पे हमारे पास फोर, फोर में से थ्री लेस किया, वन टू थ्री फोर, थ्री लेस किया तो हमारे पास वन आ गया। यहाँ पे एट है हमारे पास, एट लाइन्स लगा, यहाँ हमने एट लाइन्स लगाई, थ्री कट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, वन टू थ्री फोर फाइव। इट मीन्स 84 में से जब हम 33 लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 51। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 9 में से 1 लेस कर, ये हमने 9 लाइन लगाई, 1 हमने कट कर दिया तो रिमेनिंग हमारे पास 8 लाइंस बची। यहाँ पर भी हमारे पास 8 आ गया। अब हमने 99 में से जब 11 लेस किया तो हमारे पास आंसर आया 88। तो ये क्वेश्चन आप इसी तरह सॉल्व। अब हमारे पास अगेन वर्ड प्रॉब्लम सब्ट्रैक्शन की है, इसमें हम ए पार्ट देखते हैं। सबा हैज़ डेकोरेटेड द रूम विथ 38 बलून, सबा ने जो है ये कमरा सजाया है 38 बलून से, 22 बलून्स बस्ट, 22 बलून्स जो हैं वो ब्लास्ट हो गए हैं, हाउ मैनी आर लेफ्ट, कितने रह गए हैं पीछे। तो यहाँ पे हम लेंगे 38 और ये हमारे पास 22 बलून्स जो हैं वो ब्लास्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें 38 में से 22 लेस करेंगे तो हमारे पास 16 आंसर आएगा। बी में हम देखते हैं, इन अ बॉक्स ऑफ 25 क्रियॉन्स 11 क्रियॉन्स आर ब्रोकन, एक बॉक्स है उसमें 25 क्रियॉन्स हैं। क्रियॉन्स किसे कहते हैं? कलर्स को, ये कलर्स की टाइप होती है क्रियॉन्स। 11 क्रियॉन्स जो हैं वो टूट गए हैं बॉक्स में ही, हाउ मैनी आर नॉट ब्रोकन, कितने हैं जो नहीं टूटे। अब ये हमारे पास क्वेश्चन है, 25 में से हमने 11 लेस करना है, तो सबसे पहले हम 5 में से 1 लेस करेंगे। तो यहाँ हमने 5 लाइंस लगाई हैं, इसमें से जब हमने 1 लाइन कट की तो हमारे पास रिमेनिंग 4 रह गया, और 2 में से 1 लेस किया तो हमारे पास 1 आया। इट मीन्स के 14 क्रेयॉन्स जो हैं वो ब्रेक नहीं हुए, 25 में से 11 लेस करें तो 14, और ये बाकी पार्ट भी इसी तरह सॉल्व होंगे। बस टॉपिक है कंपेयरिंग नंबर्स का, जिस तरह आपने एडिशन में कंपेयरिंग नंबर्स देखे थे उसमें हम वैल्यू को ऐड कर देते थे और फिर हमारे पास आंसर, इसमें हमने लेस करना है, उसमें मोर देन था इसमें लेस देन। पार्ट ए देखते हैं, कंपेयर 2 एंड 7, तो यहाँ पे हमारे पास 2 वैल्यू है। अब 7 में से हमारे पास कितने हम लेस करेंगे तो हमारे पास 2 आंसर आएगा, तो 7 में से हम जब 2 को लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर 5 आएगा, तो ये बनेगा 2 इज 5 लेस देन 7। पार्ट बी, 3 एंड 8 3, अब हमने इसमें देखना कि 8 में से हम 3 को लेस करेंगे तो हमारे पास कितने नंबर्स आएंगे। अब हमने 3 में से 8 लेस करने हैं, यहाँ हम 8 लाइंस लगाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से 3 हमने लेस कर दिए, 1 2 3 4 5, सो द आंसर इज 5। सो यहाँ पे हमारे पास आंसर आएगा 5, 3 इज 5 लेस देन 8। ये बाकी पार्ट्स भी इसी तरह सॉल्व होंगे। एंड नेक्स्ट पेज में हमारे पास अगेन सब्ट्रैक्शन है, 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, 6 माइनस एम्प्टी इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पे हमारे पास ये क्वेश्चन है, तो हम इससे कैसे सॉल्व करेंगे, 6 में से 4 को हम लेस करेंगे, तो यहाँ हम 6 लाइंस लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5 6, इसमें से हम 4 को जब लेस करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 2। इट मीन्स कि 6 में से हमने जब 4 को लेस किया तो हमारे पास 2 आया, अब हम जो है 6 में से 2 को लेस करेंगे तो हमारे पास 4 आएगा। अब यहाँ पे हमारे पास 9 है, 9 में से हम 2 लेस करेंगे, अब यहाँ पे हमने 9 में से 2 लेस किया, 9 लाइन्स लगाई, 2 कट की तो हमारे पास 7 आंसर आ गया, सो यहाँ पे हमारा आंसर 7 आएगा। अब जब हम 9 में से माइनस 7 लेस करें तो हमारे पास 2 आंसर आता है। इसी तरह ये बाकी क्वेश्चंस भी सॉल्व हो।